नमस्कार, मेरा नाम हितेश कुमार, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर देहरादून के पद पर कार्यरत हूँ। आज आपको आपको बताएंगे कि दुर्घटनाएं किस प्रकार से होती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, तो दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण रेड लाइट जंप बनता है। कभी भी आप रोड क्रॉस करते हो और रेड लाइट पर जाएँ, तो रेड लाइट पर रुकें, वेट करें। उसके बाद जब आपका ग्रीन सिग्नल हो जाए, उसके बाद आप अपने गंतव्य की ओर बढ़ें। जब भी आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपके आगे की तरफ एक स्टॉप लाइन खींची होती है, आप स्टॉप लाइन के पीछे रुकें। इसके अलावा जब आप देखते हैं कि हमारी ट्रैफिक लाइट तीन प्रकार की होती हैं, ग्रीन, येलो, रेड। जब ग्रीन लाइट होती है, उसके मतलब कि आप उस दिशा से आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि ऑरेंज या येलो कलर की लाइट होती है, वो आपको रुकने का इशारा करती है कि अपोजिट साइड वालों के लिए ग्रीन लाइट होने वाली है, तो आप ऑरेंज लाइट पे अपना स्टॉप लाइन से पीछे रुक जाएं और अपना रेड लाइट को कभी भी जंप ना करें। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हमारी स्मार्ट सिटी में 105 कैमरे लगे हुए हैं, जो लगातार रेड लाइट जंप, स्टॉप लाइन को क्रॉस करने वाले इन लोगों के लगातार चालान कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि रेड लाइट जंप करने वालों का 1,000 रुपये जुर्माना और 3 महीने के लिए DL ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल है। तो आपसे निवेदन है, कभी भी आप रोड पर जाएँ और आप ग्रीन सिग्नल पे ही अपने रोड को क्रॉस करें, रेड लाइट पे कभी भी रोड को क्रॉस ना करें, उससे दुर्घटनाएं होने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। धन्यवाद।